स्वागत है आपका फैक्ट वेरीफाइड हिंदी की एक और वीडियो में। स्टार लिंक के मालिक एलोन मस्क आज की तारीख में 180 बिलियन डॉलर का मालिक है, जो लगभग 13,680 अरब रुपए बनते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि एलोन मस्क अकेले ही दुनिया में मौजूद कई देशों से भी ज्यादा अमीर है। जी हाँ, अल्जीरिया, कतर, कुवैत और ओमान समेत 135 देशों की GDP 180 बिलियन डॉलर से कम है, यानी टोटल 140 पूरे के पूरे देश ही एलोन मस्क के मुकाबले में गरीब है। इंसान की फितरत है कि जब उसके पास बहुत दौलत आ जाती है तो खर्चा करने में उसका हाथ ऑटोमेटिकली खुल जाता है। फैक्ट वेरीफाइड हिंदी की इस वीडियो में आप जानेंगे कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क अपने पैसे कैसे और कहां खर्च करता है। गाड़ियों की बात की जाए तो एलोन मस्क के पास 100-200 तो नहीं, लेकिन इनको गाड़ियों का इतना शौक रहा कि उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही बना डाली, जो आज टेस्ला के नाम से पूरी दुनिया में फैली हुई है। एलोन मस्क को न सिर्फ लेटेस्ट मॉडल्स की लग्जरी कार पसंद है, बल्कि विंटेज कार भी इनकी पसंद में आती है। इनकी कार कलेक्शन में शामिल है 1912 में रिलीज होने वाली फोर्ड मॉडल टी, जो अपने दौर में इन्फ्लुएंजा की गाड़ी मानी जाती थी। 1967 की ई टाइप जैगुआर रोस्टर एलोन मस्क की पसंदीदा गाड़ियों में आती है। बचपन से ही उनका ये गाड़ी खरीदने का शौक था, जो उन्होंने अपनी पहली कमाई में ही पूरा कर दिया। 1976 मॉडल की लोटस एक्सप्रेस, जो जेम्स बॉन्ड की मूवी दी स्पाई हू लव्ड मी में इस्तेमाल की गई थी। मूवी में ये गाड़ी एक ही बटन के जरिए सबमरीन में कन्वर्ट हो जाती थी। एलोन मस्क बचपन में इस गाड़ी से बहुत प्यार में थे, और 2013 में जब ये गाड़ी नीलाम होने के लिए आई तो एलोन मस्क ने बगैर इंतजार किए इस गाड़ी को 1 मिलियन डॉलर यानी 7.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। लेकिन एलोन के मुताबिक जब उनको मालूम पड़ा कि ये गाड़ी असल में ट्रांसफॉर्म नहीं होती तो उनको खासा दुख हुआ, और उन्होंने वही ये फैसला किया कि इस गाड़ी को वो टेस्ला की फैक्ट्री में अपग्रेड करके इसको असल में ट्रांसफॉर्म होने वाली सबमरीन बनाएंगे। 1932 में लॉन्च होने वाली BMW 3i भी एलोन मस्क की कार कलेक्शन का हिस्सा थी। BMW का ये मशहूर मॉडल 0 से 100 की स्पीड सिर्फ 10 सेकंड में पार करता था। इसके अलावा 7 मॉडल मैकलेरन F1 भी एलोन मस्क की कार कलेक्शन का हिस्सा रही, जो एक खतरनाक एक्सीडेंट में तबाह हो गई थी। इसके अलावा BMW हमर M5 टेस्ला रोडस्टर, जो इस मॉडल की बनने वाली पहली गाड़ी थी, इसको एलोन मस्क ने कई सालों तक अपने रूटीन में इस्तेमाल किया, और आखिरकार 6 फरवरी 2018 को SpaceX के एक स्पेस मिशन में इस गाड़ी में डमी ड्राइवर बिठाकर इसको हमेशा के लिए स्पेस में भेज दिया। आगे चलते हैं। ऑडी Q7, जब एलोन मस्क की फैमिली बड़ी हो रही थी तो उनको एक बड़ी गाड़ी की जरूरत पड़ी। उस टाइम पर टेस्ला सिर्फ 2-सीटर गाड़ियां मैन्युफैक्चर करती थी, जिसकी वजह से एलोन मस्क को ऑडी Q7 खरीदनी पड़ गई। साथ साथ पोर्श 9 वर्ल्डवाइड टर्बो टेस्ला मॉडल एस परफॉर्मेंस और टेस्ला साइबर ट्रक भी एलोन मस्क की कार कलेक्शन में शामिल है। गाड़ियों से हटकर अगर आलीशान मेंशन की बात की जाए तो एलोन मस्क के पास टोटल 100 मिलियन डॉलर यानी 760 करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी सिर्फ कैलिफोर्निया में मौजूद है, लेकिन फिलहाल दुनिया के पहले बिलियनियर होंगे जो रेंट के घर में रहेंगे। जी हाँ, ये बात एलोन मस्क ने 2020 में अपने एक ट्वीट में बताई कि वो अपने सभी बंगलों और मेंशन बेचकर रेंट के घर में रहना चाहते हैं। यह इनका प्राइमरी मेंशन है, जो लॉस एंजलिस के करीब बेल एयर में मौजूद है। इनके बिलियनियर बनने के बाद वहाँ के लोग इनको तंग करने लगे, और ये मामला कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार बात यहाँ तक पहुँच गई कि कुछ लोग इनके घर की दीवार से अंदर भी दाखिल हो गए। उसके बाद एलोन मस्क ने अपने बिलियनियर होने का फायदा उठाया और उनके घर के आसपास के दूसरे घर भी खरीद लिए। ये 228 करोड़ रुपयों का मैंशन 20,000 स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है, जो बेल एयर के कंट्री क्लब के करीब मौजूद है, जिसमें 7 बेडरूम व 11 बाथरूम, ब्रेक, सीलिंग, किचन, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और बेल एयर के खूबसूरत व्यू के साथ साथ एक जिम भी मौजूद है। ये मैंशन एलोन मस्क वो घर है जहाँ वह ज्यादातर रहते थे। दूसरे मेंशन की कीमत 7.5 करोड़ रुपए है। इस घर में भी 3 बेडरूम, 3 बाथरूम और एक पूल भी मौजूद है। एलोन मस्क का एक इंटरव्यू में कहना था कि ये घर इनके बच्चों का प्राइवेट स्कूल हुआ करता था। खरीदे गए दूसरे दो मेंशन भी बराबर में ही मौजूद हैं, जिनमें से एक की कीमत 150 करोड़ है और दूसरे की 10,080 करोड़। 2 सालों के बाद ही एलोन मस्क ने उसी स्ट्रीट पर एक और डबल स्टोरी बंगला भी 4.2 बिलियन डॉलर यानी 32 करोड़ रुपयों में खरीद लिया, और ऐसे सिर्फ बेल एयर में ही एलोन मस्क की टोटल 5 प्रॉपर्टीज हो गई, और वह भी एक के साथ दूसरी बेल एयर से हटकर।
अगर बात की जाए तो एलन मस्क के पास सैन फ्रांसिस्को पेनिनसुला के करीब 100 सालों पुराना बंसल भी मौजूद है, जिसकी इस वक्त कीमत 265 करोड़ रुपए है। 16,000 स्क्वायर फुट पर फैले हुए इस मैंशन के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इस पूरे मैंशन में एक्सपेंसिव एंटीक फर्नीचर मौजूद है, साथ साथ एक मिरर लिविंग रूम, आलीशान बरामदा, एंटीक एंट्रेंस, डाइनिंग हॉल, आलीशान किचन और एक आउटडोर पूल भी मौजूद है। इस मैंशन से सैन फ्रांसिस्को बे के खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं। एलोन मस्क का ये तमाम प्रॉपर्टी सेल करने का इरादा है, जिसमें से कई सेल के लिए जिलो नामी वेबसाइट पर लिस्ट भी हो चुकी है। और हाँ, ब्रैंडवुड कैलिफोर्निया में भी ये एक घर एलोन मस्क की प्रॉपर्टीज में शामिल था, जहां वह अपनी एक्स वाइफ के साथ रहते थे। 2014 में खरीदा जाने वाला ये घर देखने में काफी मॉडर्न नजर आता है। ये घर 2019 में एलोन मस्क ने $4 मिलियन यानी 30 करोड़ रुपयों में बेच दिया। हैरत की बात यह है कि इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज होने के बावजूद भी एलोन मस्क अपनी फैक्ट्री में ही सोफा पर सोना पसंद करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो एक दिन में 15 घंटे काम करते हैं। टाइम बचाने और अपनी फैक्ट्री में अपने सामने काम होते देखने के लिए वह ज्यादातर अपनी फैक्ट्री में ही सोते हैं। गाड़ियों और प्रॉपर्टीज के अलावा एलोन मस्क ने पार्टी और वेकेशंस के लिए फैंसी लॉट तो नहीं रखी, लेकिन इनके पास दो प्राइवेट जेट्स जरूर मौजूद हैं। जी हाँ, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री जाना हो या फिर स्पेसएक्स की रॉकेट लॉन्च पे पहुंचना हो, सिर्फ टाइम नहीं बल्कि इसमें वो काफी सारा पैसा भी बचा लेते हैं, क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट्स में रश की वजह से उनका एक मिनट भी बर्बाद होना $1,90,000 या 1,40,00,000 रुपयों के बराबर है। तो सोचो अगर एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के बाद घंटों इंतजार में उनका कितना नुकसान होता होगा। एलोन मस्क के पास दो गल्फ स्ट्रीम G650 प्राइवेट जेट्स मौजूद हैं, जिसमें 17 पैसेंजर्स एक ही वक्त में सफर कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट किसी भी वक्त बेड्स में तब्दील की जा सकती है, साथ साथ इसमें एंटरटेनमेंट सिस्टम, बाथरूम और मिनी किचन भी मौजूद है। गल्फ स्ट्रीम G6 की कीमत $16.5 मिलियन है, जो 490 करोड़ रुपए बनती है, और ऐसे दो जहाज एलोन मस्क के पास मौजूद है। एक बात तो आपको समझ आ गई होगी कि एलोन मस्क दूसरे बिलेनियर की तरह ऐशो आराम और लग्जरी लाइफस्टाइल पर पैसे लुटाने के बजाय फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।